बचपन में तुमने वो सोने के अंडे वाली मुर्गी और किसान की फेमस कहानी तो सुनी होगी, जहां लालच और बेवकूफी के चलते किसान उस सोने की मुर्गी के पेट को ही काट देता है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी वही कर रहे हैं। उनके पास कॉब यूनिवर्स के नाम पे इतनी बड़ी कास्ट है, इतने टैलेंटेड एक्टर्स है, बड़ा बजट है और इस यूनिवर्स का बढ़ता हुआ क्रेज भी है, लेकिन वो इतने बड़े एक्टर्स के टैलेंट और उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर रहे हैं, टोटली वेस्ट। और आज हम इसी चीज पर बात करेंगे कि कैसे इंडिया की सबसे बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स में से एक धीरे धीरे कैश ग्रैब बनती जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कॉब यूनिवर्स का फ्यूचर बहुत ही जल्द अंधेरे में चला जाएगा। अब इससे पहले कि तुम वीडियो और मेरी बातों को गलत वे में लो, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मुझे मास मसाला फिल्मों से कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज शुरुआत से ही इंडियन सिनेमा का पार्ट रही है और मैंने भी इसे बचपन से ही सेलिब्रेट किया है। एवन सिंघम भी मेरी पर्सनल फेवरेट मास मसाला फिल्मों में से एक है, तो प्रॉब्लम ये नहीं है बल्कि इससे कई बड़ी है। आप हॉलीवुड से इंस्पायर्ड होकर अपना एक्शन मास मसाला फिल्मों का एक यूनिवर्स बना रहे हो और ऑडियंस का प्यार भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी फिल्में सक्सेस हो रही हैं, तो आप इन चीजों को हल्के में ले रहे हो। और हम ज्यादा टेक्निकल बातों में ना घुसे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक ही एक्टर से अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के अलग अलग फिल्मों में करवाए हैं। अब इसको लेकर ऑलरेडी इंटरनेट पर बवाल चल रहा है। अगर तुम इंटरनेट के जहर से बचे हुए हो और अभी तक तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तो ये स्क्रीन और देख लेना, सब पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और इन कैरेक्टर्स की हेरा फेरी से ये साफ पता चलता है कि रोहित अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, या तो फिर वो ऑडियंस को सीरियस नहीं ले रहे हैं। हम लोग इनकी कहानियों में और एक्शन में जो लूप होल्स होते हैं उन्हें तो इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन जब आप एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हो जिसके कैरेक्टर्स आगे चल के एक फिल्म में आएंगे और एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड होंगे, जैसे कि हमें सिंघम अगेन में देखने को मिल रहा है और अक्षय कुमार फिल्म सूर्यवंशी में भी देखने को मिला था, तो ऐसे में एक एक्टर के दो दो किरदार सारा मजा खराब कर देंगे, क्योंकि ये चीजें ऑडियंस के ध्यान में आती ही उनका रियलिस्टिक फील जो है वो पूरी तरह से चला जाएगा। अब जो लोग मुझे शुरुआत से देखते हैं उनको ये पता होगा कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी कई बार कहा है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना एक सोलो फिल्म बनाने से बहुत अलग होता है। सिर्फ कैमियो खेलने से काम नहीं चलता, और ना ही इंटरव्यूज में बड़ी बड़ी बातें कहने से कि बजट होने पर हम भी कुछ बड़ा बना सकते हैं, ये सिर्फ बातें हैं। एक बहुत बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में या फिर सिनेमा में कुछ बड़ा बनाने के लिए सिर्फ बजट नहीं बल्कि विजन की भी जरूरत होती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो एग्जांपल के लिए अमर कौशिक की या फिर दिनेश विजन की सुपर नेचुरल यूनिवर्स को ले लो। डायरेक्टर अमर कौशिक ने इतने कम बजट में ही सभी फिल्मों को इतनी अच्छी तरह से और कन्विक्शन के साथ कनेक्ट किया है कि फिल्में देखने में ऐसा लगता ही नहीं कि ये 30-40 करोड़ में या फिर 50 करोड़ में बनी फिल्में हैं, और इसलिए बॉक्स ऑफिस नंबर भी वैसे ही आ रहे हैं। और इनके बजट को देखकर ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्में भी इतने बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर लाएगी। लेकिन फिर वही दूसरी तरफ रोहित शेट्टी के पास इतनी बड़ी कास्ट है, इतने टैलेंटेड एक्टर्स है, बंदे ने आधा बॉलीवुड उठाकर फिल्मों में डाल दिया है, लेकिन इतने बड़े बड़े हीरोज के सामने विलन के तौर पर किसे खड़ा किया? अर्जुन कपूर को। साला कोई मुझे एक रीजन दे दो कि आखिर क्यों डायरेक्टर ने अजय अक्षय और रणवीर जैसे एक्टर्स के सामने अर्जुन कपूर को खड़ा कर दिया। और अब भी मैं अर्जुन कपूर या फिर मूवी के किसी और एक्टर को ब्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है कि उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने पर वो ना थोड़ी करेगा, वो तो भाई अपना 100% देने की कोशिश ही करेगा। लेकिन बात यहाँ डायरेक्टर के सोच की है, मतलब मैं ये अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि क्लाइमैक्स में इन तीनों के सामने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अर्जुन कपूर कैसा लगेगा। भाई वो इनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के कुछ अंडररेटेड एक्टर्स जो अभी विलन के लिए फेमस हुए हैं, उनको देखकर ये चीज की गई है, खास करके बॉबी देओल को देखकर। पर ये लोग भूल जाते हैं कि एनिमल और कंगवा जैसी फिल्मों में लॉर्ड बॉबी को तभी चांस मिला है जब उस बंदे ने ओटीटी पे अपना टैलेंट दिखाया था। साथ ही में अगर डायरेक्टर की बात चली रही है तो मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का कन्विक्शन नेक्स्ट लेवल है, इसीलिए आप किसी को भी लेकर ये करोगे तो काम नहीं करेगा। यही सेम चीज भोला फिल्म में अजय देवगन ने अभिषेक पर भी ट्राई की थी, लेकिन वो नहीं चली। तो भाई लोग बात सिर्फ इतनी सी है कि रोहित शेट्टी की यूनिवर्स को जो ऑडियंस का प्यार मिला है
उसे वो हल्के में ले रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े नंबर्स के लिए अपनी फिल्मों में बिना किसी चीज को देखे बस बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को भरे जा रहे हैं। उनका आगे क्या यूज होगा या फिर अभी उन्हें एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करना है ये उन्हें नहीं पता, या फिर वो कनेक्ट करेंगे भी तो उसमें कन्विक्शन की कमी होगी जो कि ट्रेलर से ही साफ पता चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सिंघम से एक बहुत ही सीरियस सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकते थे जहाँ कहानियों में सिंघम के पिछले दोनों पार्ट जितना ही दम होता और हीरोज भी सुपर हीरो ना बनके एक बहादुर पुलिस ऑफिसर्स होते जिन्हें आम पुलिस वालों की तरह चोटें लगती, उनका खून बहता और उनके मरने के भी काफी चांसेस होते, तब कॉब यूनिवर्स की मूवीज के सीन्स में वो टेंशन फील हो पाता जिसको कि मैं फील करना चाहता हूँ। और बेटे अगर ऐसा होता तो मैं गारंटी देता हूँ कि इंडिया में कॉब यूनिवर्स को दूसरा कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स बॉक्स ऑफिस एक्शन या फिर क्वालिटी के मामले में छू भी नहीं पाता। अब चलो यार ये तो सपनों की बातें हो गई, लेकिन जो आप बना रहे हो उसमें भी हम लोग खुश थे, ऑडियंस को मजा आ रहा था, लेकिन सच कहो तो आप उसमें भी हग रहे हो। कैरेक्टर्स की गड़बड़ी और अपनी ही फिल्मों के सीन्स खुद लीक कर देना और उसके बाद 5 मिनट का ट्रेलर डालकर पूरी फिल्म को ही स्पॉइल कर देना, मतलब यार दुनिया की कोई भी मार्केटिंग एजेंसी या फिर तुम में से कोई भी बिजनेसमैन दिमाग वाला मेरे को कमेंट में ये बताओ कि रोहित शेट्टी ने ट्रेलर में सारी फिल्म रिवील करने के लिए कौन सी प्रमोशन स्ट्रेटजी लगाई है और इसका उन्हें क्या फायदा होगा। बाकी ये वीडियो कोई हेट वीडियो नहीं है, तुम जानते हो मैं एक सिनेफाइल हूं और जब फिल्मों को लेकर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर मेरा बात करना जरूरी हो जाता है। और हाँ, सलमान जैसे चुलबुल पांडे दिखाने का एक सही तरीका है मेरे पास। अगर रोहित शेट्टी की टीम में से कोई देख रहा है तो ध्यान से सुनो, आपको बस सलमान खान के कैरेक्टर का नाम ही चुलबुल पांडे रखना है। जरूरी नहीं है कि वो वही चुलबुल पांडे हो जो कि हमें दबंग सीरीज में दिखता है। अब देखो यार, क्योंकि इतने एक्टर्स की सेम रोल वाली बकचोदी हो ही गई है और आपका भी सलमान भाई को कॉप यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करने का पूरा प्लान बन चुका है या फिर मैं कहूँ कि शूट भी हो चुका है, तो तुम्हें बस एक ही चीज को बदलना है। सिंपली आप अपना एक नया कोरा चुलबुल पांडे इंट्रोड्यूस करो जिसका पास्ट दबंग फिल्मों से अलग होगा और उसने पास्ट में सिंघम और सूर्यवंशी के साथ भी काम किया होगा। अब देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चुलबुल पांडे की पूरी पर्सनैलिटी ही बदल दो, वो कैरेक्टर वही रहेगा, बस आपको ऑडियंस को इतना एक्सप्लेन करना है कि वो जो दबंग वाला चुलबुल पांडे है यानी द ओरिजिनल ओजी चुलबुल पांडे, वो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं है और ये जो चुलबुल पांडे होगा वो बिल्कुल नया और कोरा होगा। बाकी इनकी तरह ही अनिल बाजमी ने भी कैसे ओरिजिनल अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया को बिगाड़ा है। अगर देखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।